हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर्थ और स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट्स बाय समर्थ यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता चल ही गया होगा, तो आज हम बनाने वाले हैं एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार। इसका रिमोट भी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ और हम इसे रिचार्जेबल भी बनाने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपको बार बार सेल्स बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं इस पीवीसी शीट का यूज़ करने वाला हूँ जिसे मैंने पीवीसी पाइप से बनाया है। तो इसी शीट का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद मैंने एक पीस ले लिया है इस शीट का। अभी हमें क्या करना है, 4 कैप्स चाहिए। आप किसी भी कैप्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन को ड्रॉ किया है इस शीट पर। यहाँ पर हम एक्सेल को फिक्स करने वाले हैं। तो इस गियर का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें इस गियर के साइज़ को एक कट लगाना है इस शीट पर। तो अभी हमें पेपर चाहिए और इस पेपर का हमें रोल बनाना है। तो यहाँ पर मैं पेन की रिफिल का यूज़ करके इसका रोल बनाने वाला हूँ। तो अभी हमें पेन की रिफिल चाहिए पुराने वाले। तो इस जो हमने गियर लिया था इसे हमें इस पेन के रिफिल के अंदर सेट करना है। और अभी हमारा जो एक्सेल है वो बन चुका है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे फिक्स करना है। तो अभी हमने जो पेपर का रोल लिया था इसे हमें एडजस्ट करके अच्छे से फिक्स कर देना है फेविक्विक का यूज़ करके। तो अभी हमने जो कैप्स लिए थे इनके सेंटर में अभी हमें होल करना है। अभी इन चारों कैप्स को व्हील के तौर पर चारों तरफ से फिक्स कर देना है एक्सेल में। तो एक छोटा वाला गियर चाहिए हमें मोटर में लगाने के लिए और मैं एक 5 वोल्ट की डीसी मोटर का यूज़ करने वाला हूँ। तो इस मोटर को इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर देना है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके सेट कर सकते हो मोटर को। अभी मैं यहाँ पर कार की बॉडी को बनाने वाला हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन की बॉडी बना सकते हो कार के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने कार की बॉडी को पूरी तरह से बना लिया है। अभी हमें क्या करना है, इसकी जो विंडो थोड़ी सी लुक डिज़ाइन देना है। तो मैं यहाँ पर इंसुलेशन टेप का यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने विंडो सारे कुछ बना लिया है इंसुलेशन टेप से। अभी हम यहाँ पर रिबन वायर का यूज़ करने वाले हैं। तो इनमें से 2 वायर को हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने ऑरेंज कलर और येलो कलर की वायर ले लिया है। तो इन दोनों वायर को अभी हमें मोटर से कनेक्ट करना है। तो जो ऑरेंज वायर है वो मोटर के पॉजिटिव में लगेगी और जो येलो वायर है वो मोटर के नेगेटिव में। तो अभी हमारी कार तो पूरी तरह से बन चुकी है। अभी हम इसका रिमोट बना लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि इसका रिमोट कैसे बनाना है। तो यहाँ पर भी मैं पीवीसी शीट का यूज़ करने वाला हूँ। तो पुराने पेन की हमें रिफ़िल चाहिए और ये जो स्प्रिंग होती है ये भी आपको पुराने पेन में मिल जाएगी आसानी से। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इस रिफ़िल के 2 पीस ले लिए हैं। और क्या करना है, यहाँ पर इस पीवीसी शीट पर 2 होल बनाने हैं इस रिफ़िल के लिए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होल बनाने के बाद इस रिफ़िल को यहाँ पर सेट करना है इस होल के अंदर फेविक्विक से। तो अभी हमने जो स्प्रिंग लिया था इसके सेंटर से हमें इसे कट करना है। इसके 2 पार्ट्स हमें करने हैं। तो आप देख सकते हो इन्हें 2 पार्ट में अलग करने के बाद इस पेन के रिफिल में इस स्प्रिंग को सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने इस ट्रिगर को बनाया है पेपर का रोल करके। 2 ट्रिगर हमें यहाँ पर लगेंगे। तो अभी हमें एल्यूमिनियम शीट चाहिए। इसके मैंने 2 पीस ले लिए हैं।
तो इसी तरह से एल्यूमिनियम शीट को इस प्रकार से, ये जो हमने पीवीसी शीट का जो पीस लिया था इसके अंदर कुछ इस प्रकार से ही हमें इसे फिक्स करना है एल्यूमिनियम शीट को, और ये बैक साइड से भी निकलना चाहिए थोड़ा बाहर, वहाँ से हम कनेक्शन करने वाले हैं बैटरी का। तो कॉपर वायर का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो क्या करना है, सबसे पहले इस कॉपर वायर के दो मैंने पीस ले लिए हैं, तो इस कॉपर वायर को हमें टिन करना है, तो टिनिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन से आप इसे टिन कर लीजिए सबसे पहले। तो जो हमने ट्रिगर बनाया था उस पर इस कॉपर वायर को लपेट कर कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन देना है कॉपर वायर को। तो अभी इस कॉपर वायर को ट्रिगर पर सेट करना है, तो जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इन दोनों कॉपर वायर को आपको जो दोनों एल्यूमिनियम शीट लगाए थे उन दोनों के बीच में इस कॉपर वायर को हमें सेट करना है, और अच्छे से टाइटली सेट करने के बाद फेविक्विक से इस कॉपर वायर को ट्रिगर से फिक्स करना है फेविक्विक से। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया, जो ट्रिगर होगा वहाँ पर ही हमें इसे फेविक्विक से सेट करना है, एल्यूमिनियम शीट से हमें कुछ नहीं करना है इसे। तो अभी हम कनेक्शन कर लेते हैं आगे के, जो दो मोटर के वायर थे हमारे इनको हमें इस ट्रिगर पे कनेक्ट करना है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा लेफ्ट वाला ट्रिगर हमारा फॉरवर्ड होगा और जो राइट वाला होगा वो हमारा रिवर्स होगा, तो येलो लेफ्ट साइड पे कनेक्ट करना है और ऑरेंज वायर राइट साइड पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें माइक्रो यूएसबी फीमेल कनेक्टर भी लगेगा चार्जिंग के लिए। तो अभी हमारा जो बैक साइड से एल्यूमिनियम का शीट निकला था वहाँ पर हमें थोड़ा सोल्डर करना है ताकि अच्छे से हमारी जो वायर है वो वहाँ पर कनेक्ट हो सके। तो वहाँ पर थोड़ा फ्लक्स लगा कर आप पहले उसे सोल्डरिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। तो इस बैटरी का जो नेगेटिव वायर होगा वो एल्यूमिनियम शीट के अप साइड वाले मतलब ऊपर वाले साइड पर नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना है, और जो पॉजिटिव होगा उसे डाउन साइड पर कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। अभी जो हमारा फीमेल कनेक्टर होगा इससे हमें बैटरी के पैरेलल में कनेक्ट करना है, मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव। तो अभी आप यहाँ पर कहोगे कि प्रोटेक्शन मॉड्यूल का यूज़ क्यों नहीं किया, तो इसीलिए आप वीडियो को कम्प्लीट देखिए आपको पता चल जाएगा। तो इंसुलेट अच्छे से कर लेना यहाँ पर जहाँ पर भी वायर का जॉइंट लगाया है वहाँ पर। तो फाइनली अभी हमारी जो कार है वो बनकर रेडी हो चुकी है रिमोट के साथ। तो अभी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो ये जो हमारा रिमोट है इसका जो लेफ्ट साइड वाला ट्रिगर है ये हमारा फॉरवर्ड होगा और राइट साइड वाला रिवर्स होगा। तो आप देख सकते हो कितने प्रॉपरली हमारा जो रिमोट है वो वर्क कर रहा है, और जो हमारी मोटर की डायरेक्शन है वो भी अच्छे से चेंज हो रही है, इससे हमारी मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स हो रही है। तो अभी हमें इसे चार्जिंग कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसका चार्जर मैंने बना के रखा हुआ है खास लिथियम आयन बैटरी का, इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस चार्जर से आप इसे चार्ज कीजिए, डायरेक्टली चार्ज नहीं करना है। अगर आपको चार्जर नहीं बनाना है तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर चार्ज हो सकता है, तो आप देख सकते हो रेड कलर की लाइट आ गई मतलब ये चार्जिंग हो रही है। जैसे ही यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट होगी मतलब हमारी जो चार्जिंग होगी वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आप चार्ज कर सकते हो। तो ये कार आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, और आप भी इस कार को बनाइए, और अपने घर पर कोई छोटे बच्चे होंगे तो उन्हें बनाकर दे दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।